हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं अकबर बीरबल की कहानी, सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास। आज की इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे आत्मविश्वास को किस तरह से हथियार बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे। ऐसे ही बैठे-बैठे एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है? इस बात के जवाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ और नहीं हो सकता। यह बात अकबर के समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परख की जाएगी। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है। उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकड़ लिया था। इसकी खबर जैसे ही बादशाह को पहुंची, तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खोल देना। यह सुनकर महावत हैरान हो गया, लेकिन बादशाह का आदेश था इसलिए सिर झुकाकर चला गया। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वो आराम से चल रहे थे। तभी उनकी नजर चिंघाड़ते हुए हाथी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी ही तरफ आ रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा। अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था और अगल बगल में भागकर जाने की जगह नहीं थी। इतने में हाथी बीरबल के काफी करीब पहुंच गया। तभी बीरबल ने सामने एक कुत्ते को देखा और उसे टांगों से पकड़कर हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ता चीखते हुए हाथी से टकराया। उसकी ऐसी चीख सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में इस बारे में बादशाह अकबर को पता चला। तब जाकर उन्होंने माना कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी की बात पर यूं ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। बात की जांच और परखना भी जरूरी है। और दूसरी सीख मिलती है कि इंसान समय से पहले उम्मीद ना छोड़े तो परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।